about dengue fever and its treatment in simplified form. I'm quite sure that those listening to you, you will be keep dengue as an important differential in the future clinic practice and manage the case in a better manner. Now I would like the principal sir to please come on stage and give his valuable remarks. Ms. Kalanwadi, Sir Sadiq Sahab, Ahmed Sahab, other colleagues, doctors, Dean Sahab, professors, Dr. Ayaz, Dr. Sahab, nurses, colleagues, students, Assalamu alaikum. Suddenly, you know, for the last 3-4 days, Delhi has grown. Suddenly it came up. And it has started the fever. So first people thought that it is corona. But then you know when you do investigations, then platelets are very low. And then you do all the tests. And then most of them are coming out to be negative positive. I think we are doing NS1, which is NS1 is the most, I think. It's the most appropriate test. I tell you about the history. In 2010, I was sitting in Manchester, in UK. Suddenly I saw TV, Pakistan channel. और मैंने उस चैनल पे देखा कि पाकिस्तान में ह्यूज फ्लड्स आ गए और हर चीज़ डूब गई। मैं उस टाइम सोसाइटी ऑफ ड्राइविंग का वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने उतने भी सवाल बहुत सारा था। मैंने ट्रेवल एजेंट को जो फोन किया, मैंने कहा मेरी टिकट बुक करा। उसने मेरी दूसरे दिन की टिकट बुक करा दी और मैं वापस लाहौर आ गया। आई वॉज प्रोफेसर मैंने अपनी टीम ली, कार में बैठा और मैं बहुत कोट और कोट अभी चला गया। मैं बहुत आफरान था बिकॉज आई बिलोंग टू साउथ ऑफ पंजाब। कल एक मीटिंग में मैंने इंटरव्यू किया और कल से पंजाबी में करते थे, मैं स्लाइडिंग देने वाला था। मेरी कार ने देखा कि मुझे पता ही हुआ ही हुआ था। तो वहाँ पे एक BHU था, उस BHU में उन्होंने हमारा अरेंजमेंट किया। मेरे साथ 10 डॉक्टर्स थे, ज़्यादा डेंगू के डॉक्टर्स थे और उसके एक दिन बेहद तहाशा पानी थी, सारी सड़कें डूबी हुई थी और हम सब एंटर हुए। उसके बाद भी पानी का वाटर लेवल बढ़ता रहा और वो कार हमारे निकल नहीं सकती थी। फिर हम किसी ट्रैक्टर या कोई लैंड क्रूजर आती थी तो उसके नहीं मिलते थे। वहाँ मेरे ख्याल 14-15 दिन थे, वहीं पर खाना वाना आता था। जब 14-15 दिन हो गए तो मुझे एक दिन लगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। नेचुरली वो मतलब इतने ट्रिलियन एंड ट्रिलियन टन्स ऑफ वाटर था फ्लड का। तो मैंने थर्मामीटर लगाया तो मुझे 104 फीवर था। तो मैंने सोचा पता नहीं मुझे हेक्टिक ब्लीडिंग की वजह से ऐसे हो गए। दो एक हफ्ते जो है मैं वहाँ से मुल्तान अपने घर आया और वहाँ एडमिशन आए, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा लगता है टाइफॉइड है या फीवर हो गया तो आपको कुछ मेडिसिन दे गए। एक दिन मेरा फीवर ठीक हो गया, दूसरे दिन पर मैंने एटो को फ्लाइट अटेंड हुआ गंगाराम के आके प्राइवेट फूल में बस गए। सारे प्रोफेसर आ गए, टेस्ट शुरू हो गए, डिसाइड ही हुआ कि मुझे टाइफॉइड है और उन्होंने मुझे हार्ट रोल व्हाट्सएप शुरू करा दी। फीवर डाउन नहीं हुआ, मुझे 6 वीक्स 100 बुखार था, 101-102, और मुझे ऐसा लगा कि मैं बचूंगा नहीं। मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि कराची में एक पेशेंट डेंगू का डायग्नोज हुआ। मुझे ऐसे शक पड़ा, मेरा मलेरिया भी नेगेटिव निकला है, मेरा मेनिनजाइटिस भी हो रही है, इनकेफेलाइटिस भी हुई है, मुझे टाइफॉइड भी वो कहते हैं तो ठीक है, मेरा रिस्पॉन्ड नहीं है। डॉक्टर बोला नहीं था तो मैंने कहा कि मैं अपना डेंगू टेस्ट करता हूँ। उस वक्त ये NS1 भी नहीं रहा था और दूसरा उसकी मेरे ख्याल IgG और IgM डेंगू होता, वो मेरा हुआ तो वो मेरा पॉजिटिव आया था और उसमें आ गया कि इसको डेंगू। और मुझे 6 वीक्स बुखार रहा,
प्लेटलेट्स में नीचे है, लेकिन वो उसकी प्लेटलेट्स मेरे 40,000 से नीचे ड्रॉप नहीं किए, फिर ऊपर आ गए और 70,000 के आगे सेटल हो गए। पाकिस्तान में पहले जो चार पांच लोग थे ना जिनको डेंगू हुआ था, मैं उनमें से2011 में मुझे फिर डेंगू हुआ। मुझे 2010 में डेंगू हुआ, मुझे 2011 में फिर डेंगू हुआ, लेकिन वो डेंगू मुझे इतना सीरियस ना हुआ। और उस वक्त आ गया कि जिसको तीसरी बार डेंगू हो जाता है वो कभी नहीं ये पूरी तरह से एक्सर इसके थर्ड टाइम अगर डेंगू हो जाए तो फिर इतना मुश्किल हो जाए। सारी वीडियो चैनल पे देखो। और उसके बाद लास्ट मुझे कोरोना हुआ और मैं काफ़ी सीरियस हो गया उसमें, लेकिन उसमें भी वो भी निश्चित ही लोगों को कोरोना हो रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा, लोग सामने आके बैठ जाते थे कि हमें कोरोना जो है हमने क्या करना, इस दिमाग को आज सकते ही नहीं थे। ऐसे एक साल उस समय मुझे कहा कि मैं एक मेडिसिन खा रहा हूँ और मैं पेशेंट भी देख रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, आप ये खाएँ। उसके बाद इनको भी बहुत सीरियस वर्ड है, ये मुझे भी पता चल रहा नहीं था। एक बार फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैंने अपनी बेगम को कहा कि मैं घाटा हो रहा, मुझे इस जगह जाके फूट दे रहा है, मुझे जरूर राशन लिया होना था। तो ये चीजें डेंगू का तक मच्छर आपको नजर आ रहे हैं, इसी के मौसम और मॉस्किटो से रिलेटेड भी शुमार कर दीजिए, मलेरिया है, डेंगू फीवर है, डेंगू है और भी शुमार इससे जी। हाँ जैसे तो ये तो आपको नजर आते हैं, लेकिन कोरोना जो है यू कैन नॉट इवन सी दैट, डेंगू बट लीज इवन सी मॉस्किटो। और आप होता वो जो बादशाह था जिसके नाक में मच्छर घुस गया था और वो जूते उठा के अपने सर में मारता था कि मच्छर निकलिया, मच्छर नहीं निकलता। सो उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज में कोरोना वायरस में वो कॉन्गो बोला, ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी टिक्स से होती हैं जो आप लोगों से मिल सकती। तो आई थिंक मेन फोकस डेंगू का तो मेरा एक ओपिनियन ये था, जैसे कि आपको पोजिशन जो है कि मैं आपको थोड़ा सा डेंगूकोलॉजिस्ट बताऊँगा, तो हमारे एक्सप्लेन इस पर पेपर लिखा हुआ, आप उसको जाके पढ़ भी सकते हैं। मतलब 2011 या 2012 का नेट पर जा नहीं सकते, जिसमें मैंने 12 में पेपर लिखा था कि सिजेरियन और इसका कितने लेवल्स होने चाहिए प्लेटलेट्स के और ब्लड के, तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर मेरा ख्याल था कि बिकॉज वी आर नॉट कीपिंग आर एनवायरमेंट क्लीन, एनवायरमेंट हमने क्लीन नहीं रखा, नेचर टेक्स इट्स कोर्स, और जब आप जो है वो साफ नहीं रखते हैं तो वो खुद ही एक ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको मजबूरन वो करना पड़ता है। ये वाहिद खतरा है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, दिस इज दीज आर ओनली थ्री कंट्रीज एंड एट वन टाइम दिस वाज वन एट, ये दुनिया का वाहिद खतरा है इन तीन मुल्कों में। आप शूज के साथ घर में एंटर हो सकते हैं, किसी मुल्क में दुनिया के आप शूज के साथ घर में नहीं एंटर हो सकते, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे मिडिल ईस्ट है, फार ईस्ट है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया या नहीं, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में आप शूज के साथ एंटर होंगे। और अगर आप लोग अगर शूज उतारो तो आपके लिए बेस्ट नहीं होंगे। मैं सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, इफ यू आर एंटरिंग विद शूज आपको साथ वाला गेस्ट करता है कुछ 9 घंटे का पेशेंस। हमारा क्लिनलीनेस का और सफाई का, एक बंदा बाथरूम में घुसेगा वो ऐसे निकलेगा बाथरूम से कि दूसरा घुस इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी दीवार भी धोएगा, छतें भी धोएगा,
सिंपल मोड़ भी धोएगा। दूसरा जब तक उसको एक क्लीनर को भेज के साफ नहीं कराएगा वो बाथरूम यूज नहीं कर सकता। एज प्रिंसिपल देयर इज अ वॉशरूम sometimes I enter and it's all water on the ground. I take a tissue and clean myself. And from the top of the cleaner आएगा और तो ये कौन सा water उठा के पहले शुरू करता हूँ। मैं आपको फैसला दूसरी था, मैं एक दिन गया देखने के लिए सफाई कैसे होती है। मैंने उसको बुलाया तुम साफ करो, उसने पहले मोटर लिया तो मोड़ का फ्लश चलाया, बिल्कुल फैक्ट है, उसने उस कमोड के अंदर वो मोटर चलाया। फिर उसने बाथरूम का जो कमोड के रूम था वो एरिया साफ किया, उसके बाद फिर वो बाहर एक एंट्री की जैसे वो से साफ किया, उसके बाद वो मॉपर इमरजेंसी के अंदर ले आया जब सबसे ज़्यादा की हाइस्ट रेलाइजेशन मशीन था। और हमने से कोई ये नहीं देखता कि जो साफ मैं कोई चीज़ें बता रहा, मैं IBF लैब में उस वकील ने उससे लिया, हमारा रेट ड्रॉप किया, मेरी और एक और स्टूडेंट का हम दोनों की ड्यूटी लगाई प्रोफेसर ने। एलन थॉमसन पायलट था IBF का, एडवर्ड्स को नोबेल प्राइज मिला था, दूसरी प्रेगनेंसी थॉमसन मिली, उसने ओपनिंग बनाई और हमें कहा तुम लोगों ने सारी रात देखना है आफ्टर आवर्स के बाद में क्या होगा। शाम को क्लीनर के जो कि इजिप्शियन थी मेरी गाइड थी, उसने नौकर नीचे मार के कोई डेस्कटॉप पे स्टेशन पे वर्क स्टेशन पर गिरे और वो कहते चली गई, हमने वो सारे नोट बनाया तो पता चला कि वो उसको जो भी ट्रेन किया था वो अपनी तरफ से सफाई ज़्यादा कर रही थी। वर्क स्टेशन जहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी का रोल होता उसका भी वो नौकर पे फिर उन्हें चली गई थी और वो खैर हमने चेंज किया, फिर हमारा रेट दोबारा ठीक हुआ। ये आपको लैब्स के लिए भी बता रहा हूँ। और मेरी IBF लैब में मैंने एक नया वाला अडॉप्ट किया, वो क्लीनर को लेकर अंदर चला गया किसकी सफाई करूँ। मैं अपनी IBF लैब की फ्लोर भी वॉल्स भी और उसकी सीलिंग भी आई क्लीन इट माई सेल्फ विद रेडियोलॉजिस्ट, नो क्लीनर चल रहा, उसमें कोई क्लीनर अलाउड नहीं होता। अगर आपने एक चीज़ को प्रॉपर ले के जाना है उसमें कोई क्लीनर अलाउड नहीं होता। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमें, लेकिन कोरोना में मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि वो गंदगी जो पाकिस्तान में थी उससे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसने नया कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप बहुत ज़्यादा भी सफाई में उसमें चले जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट होगी जो वेस्ट पे कंट्रोल मिला उससे, और वो भी ऐसे पूरी दुनिया में चल रहा है। तो पता नहीं मैं भी उनके को बुलाऊँ की सजा है तो धोनी को बुलाऊँ की सजा नहीं, लेकिन आई थिंक हमें टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर डेली वॉक और व्हाट एवर द एसओपीज एंड प्रीवियस ईयर्स वी हैव बीन डूइंग वी रिवर्ट बैक टू द सेम एंड ऑल द पेशेंट्स आर थिंक रेडी फॉर दैट टू डिसाइड दैट हू हैज टू लुक आफ्टर द डेली पेशेंट्स एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैं आपको अपने पेपर का बताता हूँ, हमने रिसर्च की ऑन ब्लीडिंग प्रॉब्लम, बेसिकली इसकी प्रॉब्लम ब्लीडिंग की होती है। वी हैव सीन दैट इफ ब्लड प्लेट लेवल इज बिलो 80,000 बस कंडीशन से अप टू 50,000 इज ओके, बट ऑल द पेशेंट हु हैड ब्लड रेट्स बिलो 80,000 दे ब्लड मोर एंड वी हैव टू गिव मोर ब्लड एंड ब्लड कल्चर्स। सो फॉर सर्जिकल स्पेशलिटीज इट इज बेटर टू कीप इट अबाउट 80,000। आप उसमें अपनी प्रॉब्लम नहीं उठाती, लेकिन 80 से जहाँ भी ड्रॉ करता है वहाँ हमारी सर्जरी में सर्जिकल स्पेशलिटीज में प्रॉब्लम आती है। दो द मेडिकल पीपल से दैट ऑन बुक्स में कहते हैं 50-30 होगा बट इट डज जिसपे यू कैन सी ऑन गूगल पर जाकर आपको पेपर मिलेगा या बच्चे को उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो आई प्रोफेसर रोहतास जी और हिस्ट्री and I hope we get good control over Delhi. हमने यस के क्वेश्चन वॉज आस्क कि आपका कोरोना में पाकिस्तान में लिए क्या रोल किया, दैट यू नो पाकिस्तान गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम वेस्टर्न पीपल ऑल्सो दैट वी कंट्रोल कोरोना इन अ प्रॉपर वे और जिस तरह डेंगी हमने कंट्रोल किया। एक टाइम था 60s और 70s का और 50s का
उससे पहले जब ये स्पेनिश फ्लू आया था, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, स्पेनिश फ्लू 11 में शुरू हुआ 18 तक है, उसके बाद एक टाइम आया कि लॉट ऑफ पीपल स्पेशलाइज इन इन्फेक्शन डिजीज। मेरे वाले साहब भी वॉज अ फिजिशियन, लेकिन उन्होंने पहले रेडियोलॉजी में स्पेशलाइज किया, उसके बाद उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज में स्पेशलाइज किया यूनिट्स, आफ्टर दैट ही डिड एमएससी। लेकिन आई थिंक इन 80s पीपल स्टॉप डूइंग दैट, और क्योंकि इन्फेक्शन डिजीज में हमारे उस पर स्पेशलिस्ट की चीज़ें इम्प्रूव हो गई, वो रेडिकेट हो गया, पीपल स्टॉप डूइंग दैट। लेकिन अब दोबारा एक टाइम आ गया और हमारे जो डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स बैठे, मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि देर इज अ फील्ड विच इज टोटली वाइड ओपन, और आपकी दो तीन फील्ड्स मेडिसिन वाले बैठे, इनको भी मैं एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। वी आर स्टार्टिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर, और वो सबसे पहले 300 बेड एमरजेंसी सी एम साहब बना रहे हैं, और फिर 50 बेड का इन्फेक्शियस डिजीजेज बन रहा है। ये आपका फटाफट हिसाब जो है जिस टू बन रहा है, उसमें सबसे पहले एमरजेंसी बनेगी, और एमरजेंसी के साथ साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग 50 बेड इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसमें आपका कोरोना, डेंगी, वायरोलॉजी, चिकन पॉक्स, डिथीरिया, इबोला, ये चिकन गोनिया, जिका वायरस, ये सारे उसके बीच में आएंगे। तो एक आपके पास स्पेशलिटी है स्पेशलाइज इन इन्फेक्शन डिजीज, जिसमें बहुत थोड़े लोगों के पास था, और वो जो मेडिकल में स्पेशलाइज कर रहे हैं, आई थिंक इफ यू डू एससीपीएस और यू डू एमआरसीपी, यू शुड फर्दर सुपर स्पेशलाइज इन इन्फेक्शन डिजीज। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये स्टार्टिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सॉरी आई मेड अ विजिट टू सीएमएचपीडी, और उनके बहुत आला और शिफा है, इनका बहुत आला सेंटर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, एंड ऑल द ट्रांसप्लांट इज बीइंग मैनेज्ड बाय फिजिशियंस। उनके जो फिजिशियंस हैं एमआरसीपी और एफसीपीएस, वेटरन्स एंड पीपीएन है, एक उनकी जो क्लिनिकल हेमाटोलॉजी है वो हमारे यहाँ प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है, और क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट वो ही है जो आगे सुपर स्पेशलाइज करेगा बोन मैरो में और हेमाटोलॉजी, वो फिजिशियन होगा और उसमें स्पेशलाइज करेगा। वो टाइम जो आपका हेमाटोलॉजिस्ट है उसके साथ रिजॉल्व करेगा, उन्होंने बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनाया, उनके जितने क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट हैं ऑल आर एमआरसीपी और एफसीपीएस मेडिसिन, और उसके बाद दे वेंट टू यूके और एक ऑस्ट्रेलिया गया, और उन्होंने उसमें दो दो साल की ट्रेनिंग की और बाहर भी भेजा, अभी उस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, और वो एक ऐसा काम है जो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो रहा है। आर्म फोर्सेज कर रहे हैं, शिफा कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, और एक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में बिना गवर्नमेंट नहीं है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल है कि मेडिसिन के लोगों को करनी चाहिए, उनको एफसीपीएस और एमआरसीपी मेडिसिन के बाद इन्फेक्शन डिजीज को करनी चाहिए, और आगे क्लिनिकल हेमाटोलॉजी में करनी चाहिए। अपकमिंग स्पेशलिटीज है और इसका लॉट ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इज इन। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द नर्सिंग स्टाफ, ऑल डॉक्टर्स, बिकॉज यू नो आई एक्नॉलेज, आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स विच नर्सिंग स्टाफ डिड ड्यूरिंग कोरोना, और मैं इनको खुद व्यवहार रहा हूँ, और मेरी जिस तरह काफ़ी की गई वो मैं समझता हूँ हमारे बहुत अच्छा अस्पताल है, और हैट्स ऑफ टू ऑल दिस साइंटिफिक काम को जिस तरह। तो एलजीएच की आप लोगों की वजह से रेटिंग बहुत हाई रही है, ये रेटिंग इतनी हाई नहीं थी, हर जगह अप्रिशिएट हो रहा है, जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं उसका अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी रेटिंग बहुत ऐसा है, ये रेटिंग आप लोगों की वजह से है। आप लोग जो डेवलपमेंट करना चाहते हो, जो चीज़ करना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ करना चाहते हैं, आप मेरे सामने उसमें आ गए, लेकिन वो चीज़ें करेंगे, और इसमें जो वज़ीर आला है उनका तो मैंने आपको विजन बता दिया जो नए टावर्स बन रहे, और दूसरा मैं बता दूँ वज़ीर आला साहब ने 2800 करार दिए, और उस पर पूरा इंस्टीट्यूशन आएगा जिसमें आपका मेडिकल कॉलेज आएगा, आपका 1500 बेड हॉस्पिटल आएगा, आपका नर्सिंग कॉलेज आएगा, आपका पैरामेडिक्स कॉलेज आएगा, डॉक्टर्स के रेजिडेंसीज आएंगी,
उनकी इंफॉर्मेशन आएगी, नर्सेज की आएगी, पैरामेडिक्स की आएगी, डॉक्टर्स की हाउसिंग ऑलरेडी बनेगी ताकि वो वहीं रहें और प्रॉब्लम सॉल्व हो। और दैनिक के लिए तो आप पता है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट कर रही है और हमें उसमें साथ साथ आगे हाथ बढ़ाना है। और आप सबको बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेमिनार्स और होते रहे और यदि हम इंटरनेशनल स्पीकर और ऑक्सीमीटर से बुलाना चाहते हैं, ग्रुप से बुलाना चाहते हैं, लास्ट में ऑपरेशन कराया था एक वो या कौन से इंस्टीट्यूशन से कॉल कर लीजिए, उस तरह के दौरान खाने बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच।